Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करना शुरू किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे उन लॉज को। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए 4 लॉज, जो कि थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो आज हमारे पास 2 लॉज बचे हैं जो हमने सीखने हैं, वो है गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम और एवोगाड्रोस लॉ। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले गे लुसेक्स लॉ से। सो गे लुसेक्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास क्लोरीन गैस है, रिएक्ट करती है वो हाइड्रोजन गैस के साथ और प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो एक वॉल्यूम क्लोरीन का कंबाइन करता है एक वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ और प्रोड्यूस होते हैं 2 वॉल्यूम HCl। ठीक है, तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगी हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl की? 1:1:2। तो ये रेशियो एक सिंपल रेशियो है। सिर्फ होना क्या चाहिए कि ये जो गैसेस हैं वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होनी चाहिए। कुछ और इलस्ट्रेशंस देखते हैं इस लॉ की। पहली, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? अमोनिया। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम नाइट्रोजन की होगी, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन की होंगी और 2 वॉल्यूम अमोनिया की प्रोड्यूस होंगी। तो वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया की? 1:3:2। एक और एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया और HCl रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अमोनिया की भी एक वॉल्यूम, HCl की भी एक वॉल्यूम, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम। तो वॉल्यूम रेशो अमोनिया इज टू HCl की क्या हो जाएगी? 1:1। यहाँ पे ये रेशो अमोनियम क्लोराइड को इसलिए अप्लाई नहीं की कि क्योंकि ये एक सॉलिड है और ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप उनकी वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, आप वहां पे सॉलिड या लिक्विड की को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तो हमें उससे पहले बहुत सारी चीजें सीखनी है, प्लस ये लॉ को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आगे फर्दर यूज किया ही जाएगा, तो आप तब साथ में इसको समझते जाएंगे। अब हमारे पास है कि डाल्टन की जो थ्योरी थी वो इस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जो डाल्टन था उसने एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं किया था। उसको नहीं समझ थी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स अलग आइडेंटिटी है। उन्होंने उसको सेम सी ही चीज मानी, इसलिए गे लुसेक्स लॉ एक्सप्लेन नहीं हो पाया और ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन बन गई डाल्टन्स लॉ की। बाकी की और क्या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस है पहले वो सीखते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, गे लुसेक्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हालांकि ये भी एक एक्सपेरिमेंटल लॉ था, बाकी भी सब जो लॉज थे वो भी सब एक्सपेरिमेंटल थे। बाकी सब लॉज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है, गे लुसेक्स लॉ नहीं एक्सप्लेन कर पाती। इट डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। तो एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल क्या होता है? या एटम या मॉलिक्यूल, और कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही होता है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई।
It does not provide any idea about the structure of atom. It could not explain the nature of binding forces between atoms and compound atoms, that is molecules, which account for the existence of matter in three states, solids, liquid and gases. So, wo jo binding forces, the forces of attraction hai atoms or molecules ke beech mein, usko explain nahi kar paya. So, Dalton's atomic theory, 19th century ke end mein, 20th century ki start mein, uske andar bahut sari radical changes aaye, kyunki bahut sare scientists the jo bahut sari nayi discoveries kar rahe the, nayi unhone experiments kiye the, jaise ki Sir J.J. Thomson hai, Rutherford hai, Neil Bohr hai, Chadwick hai, in sab ne atom ke upar bahut sari study di aur uski wajah se Dalton's atomic theory ko modify kiya gaya. तो जो मॉडिफाइड थ्योरी है उसको हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. तो चलिए देखें इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं. तो पहला है कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. दस एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल. बट यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि इनडिविजिबल तो वो नहीं है, बट स्टिल जो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है वो अभी भी क्या है, एटम. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन एवरी रिस्पेक्ट. तो जैसे कि आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, आइसोटोप्स के डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि जो क्लोरीन है उसके एटम्स के एटॉमिक मास क्या क्या हो सकते हैं, 35 और 37. तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. और इसलिए एटम्स एक सेम एलिमेंट के जरूरी नहीं कि सिमिलर हो हर रिस्पेक्ट में. और ऐसे ही एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मासेस. फॉर एग्जाम्पल आर्गन और कैल्शियम, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं बट उनके जो एटॉमिक मास है वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल उस आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40. और ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हो बट उनके एटॉमिक मासेस सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार. तो आप ये भी याद रखेंगे. इन सम केसेस एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे नॉट कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो. फॉर एग्जाम्पल इन अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, C12H22O11. तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, 12:22:11. तो ये रेशियो को हम किसी भी तरीके से सिंपल रेशियो तो नहीं कह सकते, एक इंटेग्रल एक होल नंबर रेशियो ही कह सकते हैं. एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट. ये हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझते हुए भी देखा था कि एक तरह के एटम्स चेंज हो सकते हैं दूसरे एलिमेंट के एटम्स में. तो एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन का, बेरिलियम प्लस हीलियम क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन और एक न्यूट्रॉन. मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल. ये भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में सीख लिया था कि मास और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E=mc². प्लस एक और चीज मॉडर्न एटॉमिक थियरी में जो आपको ऐड करनी है वो ये है कि कोई अब देयर आर नो कंपाउंड एटम्स बट दीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस. अब नेक्स्ट हमारे पास है एक बर्जिलियस हाइपोथेसिस. तो बर्जिलियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की कोरिलेट करने की गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम को और डाल्टन्स एटॉमिक थियरी को. ठीक है, और ये हाइपोथेसिस क्या कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. तो ये जब बर्जिलियस हाइपोथेसिस को सर्टन गैसियस रिएक्शंस पे अप्लाई किया गया तो ये डायरेक्ट क्लैश कर रहा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ. तो ये हम एक एग्जांपल उसका देखते हैं कि कैसे ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ क्लैश कर रहा था. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर वेपर फॉर्म करते हैं, हमारे पास इसका
एक्सपेरिमेंटल डेटा है। अब तक तो आप लोग भी इस रिएक्शन को बहुत बारी कर चुके होंगे अपनी स्टडी में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर वेपर, जहां पे दो वॉल्यूम हाइड्रोजन के एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टू वॉल्यूम वाटर वेपर फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जब इस रिएक्शन पे हम बर्जिलियस हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि इक्वल वॉल्यूम जो गैसेस की है उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, राइट? तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स हो जाएंगे, हम मान लेते हैं 2n एटम्स। अगर एक वॉल्यूम में n एटम्स हैं तो दो वॉल्यूम में 2n एटम्स हो जाएंगे। ऑक्सीजन में n एटम्स और वाटर वेपर के 2n एटम्स बनेंगे। बर्जिलियस ने एटम वर्ड कंपाउंड एटम्स और एटम्स दोनों के लिए यूज किया। जो डाल्टन के कंपाउंड एटम्स थे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे, उसने डिफरेंशिएट नहीं किया एटम और मॉलिक्यूल में। सो दिस मींस कि दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और दो कंपाउंड एटम्स फॉर्म करेगा वाटर वेपर के, या एक एटम हाइड्रोजन का हाफ एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनेगा, वाटर वेपर का कंपाउंड एटम। तो यहाँ पे जो ये हाफ एटम बना हमारा वो जो था वो डायरेक्ट उसके साथ क्लैश था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ, बिकॉज डाल्टन ने कहा था कि जो एटम है हमारा इनडिविजिबल है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आई उसकी वजह से बर्जिलियस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया और उसकी जगह पे एक एवोगाड्रो, एक इटालियन केमिस्ट थे, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश की डाल्टन एटॉमिक थियरी में और बर्जिलियस हाइपोथेसिस में। उसने बताया कि जो मैटर है वो दो तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, अल्टीमेट पार्टिकल जो सबसे छोटा पार्टिकल है, और वो पहला पार्टिकल क्या है, एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक गैस का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो है मॉलिक्यूल, एटम नहीं है, राइट? तो इससे जो एवोगाड्रो और बर्जिलियस हाइपोथेसिस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन थी वो सॉल्व होगी कि जो, तो वो देखते हैं कैसे। तो बेसिकली एवोगाड्रो का जो मॉडिफाइड हाइपोथेसिस था वो कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contain equal number of molecules. तो उसी example पे हम इसको put करने की कोशिश करते हैं। Hydrogen और oxygen water vapor form करते हैं, दो volume एक volume के साथ react करेंगे, दो volume water vapor की बनेंगी। तो इसका मतलब है 2n molecules hydrogen के react करेंगे, n molecules oxygen के साथ, और 2n बनेंगे water vapor के molecules। तो ये कहाँ पे एंड करेगा, वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का रिएक्ट करके हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ वाटर वेपर का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। और क्योंकि जो मॉलिक्यूल है उसको आगे फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए ये क्लैश नहीं करता डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ, राइट? तो चलिए अब कुछ देखते हैं एप्लीकेशंस इस एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के लिए। ये एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बन गया है केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, और इसलिए अब इसको एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस ना कहकर एवोगाड्रोस लॉ कहा जाता है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी, इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, it helps to explain the Gay-Lussac's law, helps to determine the molecular formula of gases, helps to derive a relationship between molecular weight and volume of a gas, helps to establish relationship between molecular weight and vapor density of a gas, modifies the Dalton atomic theory. तो ये कुछ applications हैं Avogadro's law की, जो आप धीरे धीरे इस course में सीखते जाएंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत सारे questions करने वाले हैं। तो अब इसके बाद जो हमें सीखना है वो है atoms और molecules के आने के बाद एक combined theory जिसके अंदर हम
दोनों ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करें। तो वो थ्योरी है एटॉमिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एटम्स। एक्सेप्शन सिर्फ एक है कि जो नोबल एलिमेंट्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ एक एटम के होंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मास, साइज, शेप एटसेट्रा। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस लाइक साइजेस एंड शेप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स दे ब्रेक इन टू एटम्स विच रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। और ये होती है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दिस वॉज ऑल इन दिस लेक्चर। वी वुड बी मीटिंग फॉर द लेक्चर नंबर 6 ऑन मोल कंसेप्ट। और आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं h2ochemistry@gmail.com पे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपवोट ज़रूर कीजिए और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट कि जब भी हम एक नया लेक्चर आपके लिए डालें या एक नया कोर्स डालें तो आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ। लेक्चर 6 में मिलेंगे। बाय बाय।